मेरा मानना यह है कि मुल्क आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर दो रास्ते हैं हमारे सामने, मुल्क के सामने। एक तरफ वो रास्ता है जो लोकतंत्र की तरफ जाता है, जो हमने 60 साल में पिछले अपनाया, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जो हमारे चारों तरफ मुल्क हैं वो हमें दिखा रहे हैं, जो मारकाट का रास्ता है, जो जुल्म का रास्ता है, आपस की लड़ाइयों का रास्ता है, एक दूसरे से घृणा का रास्ता है, और आखिर में वो शायद फैशिज्म का रास्ता है। इससे पहले ये खतरा इतना बड़ा कभी नहीं था, इमरजेंसी के दौर में भी इतना बड़ा खतरा नहीं था मुल्क को, बहुत बड़ा खतरा था। जिनमें से आप में से इमरजेंसी का दौर नहीं देखा है वो आज ये समझ नहीं सकते कि उस वक्त क्या हो रहा था। लेकिन उस वक्त भी ये खतरा कि मुल्क हमेशा के लिए फैशिज्म के रास्ते पर चल पड़ेगा नहीं था, पर एक उम्मीद थी लड़ने की, एक जोश था कि ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में उसके खिलाफ हम लड़ेंगे भी, और ये यकीन था कि हम जीत भी जाएंगे। और इसलिए देश में जगह जगह लोग लगातार लड़ रहे थे, हजारों लोग जेल में भेजे गए। आप लोगों को मालूम नहीं होगा जो बाद में पैदा हुए हैं कि अखबार इस तरह से छप रहे थे कि वो काले कर दिए जाते थे, पूरा पूरा पेज काला छपता था। ये अखबारों के प्रोटेस्ट का रास्ता था। शुरुआत में उन्होंने अखबार में वो चीज़ें नहीं लिखी जो सेंसर की जाती थी। वहाँ पुलिस वाले बैठते थे अखबार के दफ्तर के अंदर और वो कहते थे ये नहीं छपेगा। तो शुरू में अखबारों ने वो आर्टिकल्स, वो खबरें जो मना कर दी गई वो नहीं छापी। लेकिन बाद में अखबारों ने एक प्रोटेस्ट का नया तरीका निकाल लिया था, और वो तरीका था कि वो खबर पूरी लिखते थे, जब सेंसर काटता था तो उसे काला कर देते थे, ताकि जनता को ये पता लग जाए कि यहाँ कोई ऐसी खबर थी जो सरकार के खिलाफ थी, और वो समझ जाएं कि सरकार के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। टेरर था, बहुत लोग डरे हुए थे, और उस डर में भी लड़ने की चाह और जीतने की उम्मीद ये कम नहीं। आज के दौर में हम में से जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है वो ज़्यादा परेशान है, और उसकी वजह यह है कि देश में उम्मीद की कमी होती जा रही है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और उसकी कई वजहें। सबसे पहली वजह यह है कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो ऊपर से लगाई, यानी जो सरकार थी उसने कहा कि अब हमारा काम नहीं चल रहा बिना लोगों को जेलों में बंद किए या उनकी आवाज़ दबाए। जनता के अंदर, अवाम के अंदर, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इसकी, लोग उसके खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। आम जो नागरिक था ये वहां से निकली हुई एक प्रवृत्ति नहीं थी कि इस तरह की चीजें देश के अंदर की जाएं। मीडिया इसीलिए उस सरकार के खिलाफ खड़े होने को तैयार था। एक अखबार में तरह तरह की चीजें निकाल रहे थे लोग, तरह तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक अखबार में ये ऑबिचुअरी वो आता है ना मृत्यु के ऊपर कि कौन मर गया और कौन जिंदा है, वो एडवर्टाइजमेंट हर अखबार छापता है, उसमें एक अखबार ने छापा था कि ऑक्रेसी डीएम डाइट ऑन सच एंड सच डे। तो हर एक को पता था कि डेमोक्रेसी है, ये लफ्ज जो है ये डेमोक्रेसी है।
तो लोग प्रोटेस्ट के तरीके निकाल रहे थे और अखबार उनके साथ खड़ा था, मीडिया उनके साथ खड़ा था। बहुत सारे आरएसएस के लोग पकड़े गए उस जमाने में, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पकड़े गए उस जमाने में, जो अपोज कर रहा था सड़क पे चलते हुए पुलिस वाले उठा लेते थे। आप जगह जगह लगा के लिख रखा था यहाँ राजनीतिक बातें करना मना है, ढाबों के अंदर लिखा हुआ रखा हुआ, और वहाँ अगर कोई राजनीतिक बात करता हुआ दिखाई दे जाता था तो पुलिस वाले उठा लेते थे वहाँ से। आपके ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई चार्ज लगाने की जरूरत थी, पर लोग लड़ रहे थे, लोग उसके खिलाफ थे। अब वो उम्मीद थोड़ी कम होती हुई क्यों दिखाई दे रही, उसकी असल वजह है मेरे ख्याल में कि हम में से बहुत बड़ा सेक्शन अवाम का, लोगों का, आज ये सोचने लगा है कि अब देश को चलाने के लिए एक ऐसे डंडे की जरूरत है जो डंडा सबके ऊपर घुमाया जाए, जो हमारी प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, उसमें उन झमेलों में नहीं पड़ना, अभी हम यहीं पर ही फैसला करेंगे। और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचती है कि एक अफवाह उड़ती है कि एक पड़ोसी के घर के अंदर गाय का गोश्त रखा है, क्या होता उसके बाद, अभी फैसला करो, हम करेंगे फैसला, और वो लोग जाते हैं और उसको मार दे। हत्याएं बहुत होती हैं देश के अंदर, रोज आप अगर अखबार देखें तो रोज हत्या ये वो होता रहता है। इस हत्या में क्या खास बात है? इस हत्या में ये खास बात है कि लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हम अभी फौरन फैसला करेंगे। ये एक दिन में नहीं हुआ, इसकी अपनी हिस्ट्री है, इसका अपना इतिहास है पिछले 60 सालों में। अगर हम समाज को देखें दोस्तों, तो समाज के अंदर बहुत सारे ख्यालात, कैसे समाज को चलाना है, कैसे जिंदगी को चलाना है, कैसे देश को चलाना है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, कौन लोग गद्दी पे बैठने चाहिए, कौन लोग गद्दी पे नहीं बैठने चाहिए, हमारी जुडिशरी को क्या करना चाहिए, हमारी जुडिशरी में ये कानून सही है, ये कानून गलत है, आगे देश में क्या होगा, बाहर से आने वाली कंपनियों को हम बुलाएं उससे डेवलपमेंट होगा या ना बुलाएं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी वगैरह वगैरह, ये सारे सवाल, ये सारे विचार समाज के अंदर लगातार हम लोग इनको डिस्कस करते रहते हैं। ये सारे विचार जो हैं ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं समाज के अंदर, और ये वही नहीं टकराते, ये यहां बैठे हुए हम सब जो हैं उनके दिमाग में भी लगातार टकराते हैं। ये ऐसे विचार हैं जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। मैंने आज तक कोई आतंकवादी या आरएसएस का या जमात इस्लामी का कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहता हो कि इंसान को मारना बहुत अच्छी बात है। आपने देखा हो कोई अपने समाज में कहीं किस जगह तो देखा हो? मैंने अपनी 60 साल की जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहता हो कि इंसान को मारना, कत्ल करना बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम रोज देखते हैं कि हिंसा हो रही, सिर्फ अपने मोहल्ले में नहीं, क्लास में नहीं, बाजारों में नहीं, बल्कि दुनिया के स्तर पे हिंसा हो रही, जंग हो रही है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे दिमागों में कॉन्ट्राडिक्ट्री, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, अपोज करने वाले विचार लगातार टकराते रहते हैं। नॉर्मली हम ऐसे इंसान हैं जो हिंसा को बुरा कहता है, लेकिन जब बच्चे पे गुस्सा आ जाए तो चांटा लगा देता है। समाज के अंदर भी ऐसे ही लगातार विचार चलते रहते। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हिंसा के खिलाफ है। हमसे ज्यादा पीसफुल कौन है दुनिया में? कोई है ही, हम सबसे ज्यादा पीसफुल, हमारी तो हिस्ट्री है पीस की।
हमने गौतम बुद्ध नानक कबीर पैदा किए, हम तो बहुत हिंसा के खिलाफ रहे। लेकिन एक ऐसे देश में अनटचेबिलिटी है, जहां अगर किसी का साया पड़ जाए हमारे बदन के ऊपर तो नहाना पड़ जाता है, जिसका छुआ हुआ हम खा नहीं सकते। इसी देश के अंदर सन 1947 में 2.5 करोड़ लोग थे जिन्हें घर छोड़ना पड़ा अपना, 10 लाख के करीब लोग काट के डाल दिए हमने। इसी देश के अंदर सन 84 हुआ, इसी देश के अंदर 92 मस्जिद गिराई गई और फिर 15 दिन के लिए देश बंद हो गया। यही देश है जहां पर गुजरात हुआ। सबसे पीसफुल ये है कॉन्ट्रडिक्टरी जो विचार हैं समाज के अंदर, उनका टकराव। और कभी कभी ऐसा होता है कि हिंसा वाले विचार अहिंसा वाले विचारों के मुकाबले में जीत जाते हैं। कभी छोटे स्तर पर, कभी घर में, क्लास में, गली में, चौराहे में, खेतों पर, ऐसी जगहों के ऊपर, कभी डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर, और कभी देश के लेवल के ऊपर, और कभी दो देशों के। अब आजकल थोड़े दिन से आप सुन नहीं रहे होंगे कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, चढ़ जाओ, वो एक सर काटेंगे, हम 5 सर काटेंगे, है ना, वहां जाके हमें बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, वहां पर हमको जो कैंप्स चल रहे हैं टेररिस्ट के उनको घुस के ख़त्म कर देना चाहिए। ये पिछले साल भर से नहीं हो रहा, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 1.5 साल से पहले पूरा मीडिया जो है चीख चीख के कह रहा था कि उसको हम बड़े देश हैं, पाकिस्तान को तहस नहस कर दो, ख़त्म कर दो, हम कर सकते हैं ख़त्म। अब क्यों नहीं हो रहा? अब जो लोग कह रहे थे, जो नेता जो चीख चीख के कह रहे थे, वो अब नहीं कह रहे। तो ये क्या चीजें हैं, इन पे हमें विचार करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात जो समझने की है वो ये है कि हमें अपना दिमाग लगातार साफ करना होगा इस चीज के ऊपर कि हम कौन से विचारों के साथ हैं। अहिंसा कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सोचे बिना हम बह करके हिंसा वाली जो शक्तियां हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहां से शुरू होता है फासीवाद। फासीवाद कहीं ऊपर से आई हुई चीज नहीं, आसमान से नहीं उतरती। फासीवाद समाज के अंदर से पनपता है, जहां हम एक वक्त में ही कभी हिंसा के साथ होते हैं और कभी हम अहिंसा के साथ होते हैं। कभी हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है कि बाबरी मस्जिद गिराई जाए, हमें ये मंजूर नहीं है कि किसी के घर में घुस करके आप उसके फ्रिज में ढूंढें कि उसने क्या रखा है खाने के लिए। अगर आपको याद हो तो जब बाबरी मस्जिद गिराने का एजिटेशन अडवाणी जी चला रहे थे तो उस वक्त के ऊपर एक पागलपन सवार था, खासतौर से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल था, बड़े लेवल के ऊपर वहां से भी मोबिलाइजेशन हुआ था, लेकिन ज्यादातर मोबिलाइजेशन जो वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हुआ। और आम लोग, बिल्कुल जो आपके पड़ोसी थे, जिनको आप जानते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, कोई दुकान रखता था, ये बड़े सभ्य लोग थे। और मुझे याद है कि एक दिन ऐसे ही सभ्य लोग
कम से कम अलीगढ़ में कॉल दी गई थी कि वो छतों पर चढ़ेंगे और थाली बजाएंगे, और उसमें औरतें मर्द जो बिल्कुल नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, जो ईद बकरीद होली दिवाली क्रिसमस साथ मनाते थे, ऐसे लोग छतों के ऊपर चढ़ के थालियां बजाते, बाबरी मस्जिद गिराने की सपोर्ट। और फिर उसके बाद क्या होता है, बाबरी मस्जिद गिर गई, 15 दिन के लिए देश हिंसा के आग में झुलसने लगा, 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, इतना हंगामा हुआ, एक रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर, 3rd दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है कि ये बुरा हुआ। वही लोग जिन्होंने थालियां बजाई थी, उन्होंने अपने जो एक्ट था उनका उसके भयंकर परिणाम देखे, और फिर वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक तरफ वो हिंसा के साथ गए और दूसरी तरफ वो हिंसा के खिलाफ कुछ ही दिन के बाद खड़े हो गए। तो देश को उन्होंने हिंसा की तरफ धकेला जानबूझकर, सोच समझ के, और फिर उसके बाद कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया कि ये पार्टी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है, हमने जिसने थाली बजाई थी हम जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदार हैं, उनको इलेक्शन में हरा दिया। एक वक्त में अब से पहले आरएसएस की एक्सेप्टेबिलिटी हिंदुस्तान में नहीं थी, वो नहीं जीत पाए कोई इलेक्शन, पर 90 के बाद उन्होंने इलेक्शंस जीतना शुरू कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी जिनको पिछले 50 सालों में आजाद हिंदुस्तान में और उससे पहले लगभग 20-25 सालों तक वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में नहीं थी, अवाम में नहीं थी, इसलिए वो कभी बड़ी फोर्स नहीं बन पाए। तो एक बात तो ये है कि जब तक अवाम के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो, तब तक पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक ढांचे उन विचारों के ऊपर नहीं खड़े किए जा सकते जो विचार अवाम के बीच में नहीं। मोदी इलेक्ट हों और आरएसएस की शाखाएं ज्यादा खुल जाएं देश के अंदर, इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन विचारों का अब साथ दे रहे हैं जो विचार वो बहुत जमाने से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। दूसरी बात समझने की यह है कि हमारे लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जो आम जनता के बीच में होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए या उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे राजनीतिक ढांचे खड़े होते हैं। यानी जब आवाम में 2-3-4 तरह की प्रवृत्ति होगी तो उन 2-3-4 तरह की प्रवृत्तियों के लिए 2-3-4 तरह की पार्टियां होंगी। वो पार्टीज, उनका काम यह है कि वो एजेंडा रखें जो एजेंडा उन्हें जिता सकता है इलेक्शंस लोकतंत्र के अंदर। यानी कोई ये कहेगा कि साहब हम, मतलब मायावती को ले लें आप, मायावती जी ये कहेंगे कि हम जो है काम करेंगे दलितों के लिए। तो दलितों के लिए काम करना एक विचार है, एक विचार है समाज के अंदर कि 4000 साल तक हमारा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको दबाया गया है और उसको अब दबाना एक्सेप्टेबल नहीं। ये विचार जब होगा समाज के अंदर तो फिर एक पार्टी जन्म लेगी इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए, और सत्ता में जाने के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि वो फिर दलितों के लिए काम करेंगे, करें नहीं करें 5 साल ये अलग बात है, लेकिन इस विचार के चारों तरफ ये पार्टी खड़ी होगी। दूसरी पार्टी खड़ी हो सकती है
जो कहे कि इस देश में सब सारी गड़बड़ इस बात की है कि यहां मुसलमान है, अगर ये चले जाते सारे के सारे देश से सन 47 में तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती। वो पार्टी कहे कि दलितों का आरक्षण जो है वो सबसे बड़ी गड़बड़ है और उसकी वजह से जातीयवाद बढ़ रहा है, ये एक विचार है। क्रिश्चियंस जो हैं वो कन्वर्जन करके देश को हिंदुओं के देश से क्रिश्चियन क्रिश्चियंस के देश में बदलने में लगे हुए हैं, ये एक विचार है। इस विचार का जितना विस्तार होगा उसके अराउंड पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होंगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा डोमिनेंट विचार, जो ज्यादा फैले हुए विचार हैं, उन विचारों की बलबूते के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर अवाम के अंदर बदल जाए चीजें तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप बदल जाएंगी, उनमें बदलाव आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सारा देश ये कहे कि हम सेक्युलर रहना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो निकल के कहे, और वो एग्जिस्ट भी करे और वो जीत भी जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि हम इसको सेक्युलर नहीं रखना चाहते। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर ये विचार लगातार रहेगा कि ये देश हिंदू देश है और इस हिंदू देश में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो हिंदुओं का कॉन्स्टिट्यूशन। फासीवाद कहां खड़ा होता है इसमें, जिसको हम इटली और जर्मनी की नजरों से देखते हैं। फासीवाद हमेशा अवाम की सोच के ऊपर कब्जा करता है, पहला कदम होता है उसका। उसके लिए वो क्या चीजें करता है, उसके लिए वो ये करता है कि एक दुश्मन खड़ा करता है। दुश्मन ऐसा होना चाहिए जो कमजोर हो, क्योंकि मैंने अभी पार्टी बनाई है, मैंने 10 लोगों से, 15 लोगों से, 500 लोगों से, 1000 लोगों से, लाख लोगों से बात की है। अगर मैं ऐसा दुश्मन चुन लूं जो बहुत स्ट्रांग है तो मेरा अस्तित्व शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा। तो मैं एक ऐसा दुश्मन चुनता हूं जो कमजोर। जर्मनी में कौन था दुश्मन? ज्यूज। उनका सारी परेशानियां जो हैं देश की वो ज्यूज की वजह से हैं। ये गंदे होते हैं, ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इन्होंने सब चीजों के ऊपर कब्जा कर रखा है, जगह जगह हमारे संस्थानों के ऊपर कब्जा कर रखा है, और ये कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं बैठ करके। तो हर जीव के ऊपर शक करने के लिए उकसाना जरूरी। पहला कदम फासीवादी ताकतों का यह होता है। हमारे यहां क्या हो रहा है? आरएसएस ने एग्जैक्टली वही चीजें, वही नारे जो जर्मनी में ज्यूज के लिए इस्तेमाल हुए, वही सारी घृणात्मक बातें। ये कोई नई बातें नहीं, ये क्रिएटिव नहीं होते लोग, ये कोई नई बात नहीं कही। हर वो चीज जो ज्यूज के लिए जर्मनी में कही गई वो इन्होंने यहां मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए कहना शुरू की और दलितों के लिए। लेकिन फासीवाद खाली इस पे नहीं पनप सकता कि वो एक दुश्मन को खड़ा कर दे और वो दुश्मन जो है वो उनके लिए राह बना दे आगे जाने के लिए, ऐसा नहीं। दूसरा खास जो मामला है इनका फासीवादी ताकतों का, वो ये होता है कि वो अंदर अपने अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि तुम दुनिया के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुए थे, कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से तुम राज नहीं कर पा रहे। ये
ये तुम बहुत ताकतवर थे, बहुत बड़ी चीज थे, अब कुछ बीच में गड़बड़ हो गई, कोई आ गया और देशों ने तुम पकड़ के दबा दिया। तो अंदर अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करना, एक कम्युनिटी के अंदर ऐसी फीलिंग पैदा करना कि तुम्हें सबने चारों तरफ से घेर रखा है, सारी परेशानियों की जिम्मेदार दूसरा है कोई, दूसरा खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन तुम बहुत बड़ी चीज थे। तो अपनी सभ्यता की दुहाई लगातार देना फांसीवादियों के लिए जरूरी होता है। अगर वो ना दी जाए, मान लीजिए कि मैं मान ही लूं कि मैं तो तुच्छ हूं, छोटा हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, ना कभी था, अगर ये मैं मान लूं तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। हम आर्या, तो आर्या कह दिया इतना, उससे हम कुछ बहुत बड़ी चीज हो गए। हम सफेद स्किन के लोग हैं, तो सफेद स्किन के हो गए, बड़े हो गए, ये बड़े होने चाहिए। हमारा प्योर ब्लड है, हमारी आंखें नीली हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जर्मनी में कही गई, हिटलर ने इनको इस्तेमाल किया। यहां क्या हो रहा है, 1200 साल की जो गुलामी है उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, वरना हम बहुत बड़ी चीज थे, सोने की चिड़िया थे, ये थे, वो थे। तो ये लगातार समझाना कि हमारे वेद, हमारे बाकी स्क्रिप्चर्स कितने महान हैं, जिम्मेदार जो हैं वो सारे के सारे दूसरे लोग हैं हमारी परेशानियों के, हम बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, ये प्रोपेगेंडा लगातार करने की जरूरत होती है, अपने अंदर का डर खत्म करने के लिए कि तुम सेफ हो, इसलिए छोटे को दुश्मन चूज करो, पहला काम ये, और दूसरा काम ये कि तुम बहुत बड़ी चीज हो, ये दोनों बातें जरूरी होती हैं फांसीवादियों को आगे बढ़ने के लिए। अगर ये नहीं, ये विचार नहीं फैलेंगे तो फांसीवादी आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है फैशिज्म की, कि जो सबसे गुंडा एलिमेंट होता है सबसे पहले उसको इकट्ठा करते हैं, उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं। वो गुंडा तिलक लगाता है हमारे देश में, वील्ड करता है अपने धर्म को, वो उसके लिए एक रिस्पेक्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है समाज में, और फिर वो माइनॉरिटीज के खिलाफ इंडॉक्ट्रिनेट किया जाता है, उसके खिलाफ बोलता है और ये बोलता है कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, हम बहुत तोप हैं, और तोप थे एज अ रेस, एज अ नेशन, एज अ धर्म। जर्मनी में पावर में आने से जरा पहले ही मीडिया के ऊपर कब्जा, इसका प्लान पूरी तरह से तैयार था। वहां सडनली हुआ था, हमारे देश में धीरे धीरे 20 सालों में हुआ है। आरएसएस ने अपने लोगों को लगातार धीरे धीरे मीडिया के अंदर भेजा है, हमारे मीडिया को लगातार कैसे पता लग जाता है आधे घंटे के अंदर के वो जैश ए मोहम्मद ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है या किसने किया है, हमारी एजेंसी से ज्यादा जल्दी वो पता कर लेते हैं। उसकी एक अकेली वजह यह है कि वहां पर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जो पहले से तैयार होते हैं इन चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। तो फैशिज्म पहले लोगों के दिमागों पर कब्जा करता है, उसकी कोशिश करता है, मीडिया के ऊपर कब्जा करता है, जुडिशरी के ऊपर कब्जा करता है, एजुकेशन के ऊपर कब्जा करता है, और वो फिर अवाम की मर्जी से, अवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं, अवाम की मर्जी से अवाम के सारे हित
और राइट्स जो होते हैं हमारे वो खत्म कर देता है। इमोटिव इश्यूज इस तरह से उठाए जाते हैं जो हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं, कभी लव जहाद के नाम के ऊपर, कभी प्रांतों में एक दूसरे को टकराव कराकर, कभी जाट और बाकी लोगों को, पंजाबियों को लड़ाकर, कभी गुजरात में ऊंची जाति और नीची जाति का सवाल उठाकर। ये लगातार टकराव जो है ये इनके लिए ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। अगर ये खत्म हो जाए तो इनका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लगातार इमोटिव इश्यूज उठा उठा के बार बार फैशिज्म के जिस्म को, उसकी देह को लगातार ताकत पहुंचाते रहते हैं। और तब अवाम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे ऐसे हाल में पहुंच जाते हैं कि वो अपने सारे राइट्स हैंड ओवर कर देते हैं कि हाँ तुम चलाओ। पर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर है। आप में से बहुत सारों ने हो सकता है कहा हो जिंदगी में ये, लेकिन सुना तो जरूर होगा कि यार ये देश जो है वो डंडे से चल सकता है, मिलिट्री शासन हो जाए सब ठीक हो जाए। अगर खुद ना कहा हो तो सुना तो जरूर होगा। ये विचार हमारे दिमाग में मौजूद है कहीं ना कहीं, और जब ये विचार बड़ा हो जाता है तो फिर हम अपना हर राइट सौंप देते हैं अपने हाथों से। जरूरत इस बात की है कि जब देश इस दोराहे पे खड़ा हो तो हम में से हर एक सबसे पहला काम विचारों के संघर्ष को तेज करने का करें, जिन विचारों में हम यकीन रखते हैं, जो मानवता के विचार हैं, जो बराबरी के विचार हैं, जो औरत मर्द की बराबरी के विचार हैं, जो ऐसे विचार हैं कि हर बच्चे को इस देश के अंदर जॉब मिलना चाहिए, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको हक है कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मौजूद। इसको अगर हम तेज नहीं करेंगे संघर्ष को, तो हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब वायलेंस या हिंसा समाज के अंदर आम हो जाएगी तो बर्तोल्ट ब्रेख्त के लफ्जों में, जब जुर्म के ढेर लग जाते हैं तो जुर्म आंखों से ओझल हो जाते, गायब हो जाते हैं। आज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है बहुत सारी चीजों की, लेकिन अगर लगातार हम उन चीजों को खुली छूट दे दे रहे हैं तो कल वो समाज में नॉर्म हो जाएंगे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी, लोग उनके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। अगर मान लीजिए फैशिज्म आ जाता है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये देश लोकतंत्र रहे, डेमोक्रेसी रहे, उसके पीछे कोई प्राकृतिक नेचुरल कारण नहीं है। हमारे जैसे लोगों ने इस देश को लोकतंत्र बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लोकतंत्र रहे। यहां लोकतंत्र बचाने के लिए भी लगातार कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हमारे जैसे लोगों को ही देनी पड़ेगी। अगर लोकतंत्र ना रहे तो क्या ऐसी खास बात है? वो हमें पाकिस्तान देखने की जरूरत है, हमें बहुत दूर जर्मनी जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में फैशिज्म नहीं आया, लेकिन जो कुछ आया उसने उस समाज को असभ्य समाज में बदल दिया। वो भी हमारी तरह आजाद हुए थे, तभी आजाद हुए थे जब हम हुए थे। पर जो लोग खामोश रहे वो आज बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा की एक्सेप्टेबिलिटी लगातार बढ़ गई। आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ हम देश को अपने कंपेयर करें
तो हम बस 10-20 साल ही पीछे हैं। पाकिस्तान में पहला दुश्मन हिंदू जब वो आजाद हुए, लेकिन हिंदू 4% थे, काम नहीं चला। बहुत जल्दी उनको नए दुश्मन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कादियानियों को डिक्लेयर कर दिया ये मुसलमान नहीं है। कादियानियों को मारा पीटा गया, उनकी मस्जिदें तोड़ी गईं, उनमें से बहुतों को बाहर जाना पड़ा और उनके देश में एक ही नोबेल प्राइज मिला है, वो कादियानी था साइंटिस्ट, उसको देश निकाला मिला और वो साइंटिस्ट जो है वो नहीं माना जाता कि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर कादियानियों से काम नहीं चला साहब, तो उन्होंने कहा ये जो हिंदुस्तान से आए माइग्रेंट महाजिर, इनकी पिटाई करने की जरूरत है, ये हैं जिम्मेदार। बास्केट दुश्मनों की थोड़ी बढ़ गई। जब उनसे भी काम नहीं चला तो उन्होंने कहा शिया जो है वो मुसलमान नहीं, शियाओं की मस्जिद रोज तोड़ी जाती है, हर दूसरे दिन आ जाता है, आज भी खबर है कि कुछ शिया मार दिए, शियाओं से भी काम नहीं चला। तो अब बरेलवी, ये है पाकिस्तान की दुश्मनों की हिस्ट्री की ट्रेजेक्ट्री। हमारे यहां क्या हुआ, जब मुल्क आजाद हुआ था तो मुसलमान, बास्केट बड़ी करने की जरूरत पड़ी तो वो लोग जो अपने को क्रिश्चियन कहते थे, कुछ जगहों के ऊपर जैसे कंधमाल के एरिया में वहां मुसलमान नहीं है, लेकिन गुजरात के अंदर कुछ ऐसे एरियाज में एक्सपेरिमेंट पहले करने थे 2002 से, तो वो एक्सपेरिमेंट उन एरियाज में किए गए जहां क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियंस दुश्मन हो गए, पर उनसे भी काम नहीं चला। तो एक मेजर कैंपेन चलाया गया सूडो सेक्युलर्स, ये सूडो सेक्युलर जो हैं इन्होंने देश की बर्बादी की है। अगर ये सूडो सेक्युलर ना होते तो हमारा देश हिंदू देश बहुत पहले का बन चुका होता। सूडो सेक्युलर्स से भी काम नहीं चला तो अब जगह जगह वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि देशद्रोही कौन, एंटी नेशनल। नफरत की नाव जब चलना शुरू करती है तो वो किसी एक जगह नहीं रुकती, फिर उसका बहाव के साथ वो तेज से तेज तर होती जाती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस नफरत की नाव को समझा जाए, पहले हम अपने दिमागों में साफ करें एज एक्टिविस्ट। जब तक हम साफ नहीं होंगे तब तक हम लोगों को कम्युनिकेट अपने विचार नहीं कर सकते। हमें फर्म होना होगा, हमें साथ जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे के, छोटी छोटी चीजें भूलनी पड़ेंगी, खतरा बहुत बड़ा है। शुक्रिया।